नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिल्पी तिवारी है। मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ और पहले मैं भी बहुत भागती थी इधर उधर, ये बुक्स खरीद लो, वो अनसॉल्व पेपर खरीद लो, ये सॉल्व पेपर खरीद लो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तैयारी अच्छी हो जाएगी, पापा वीडियो देख लो, मम्मी वीडियो देख लो, दादा वीडियो देख लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसका रिस्पांस मुझे निगेटिव मिला और मैंने कई जगह पैसे भी फालतू इन्वेस्ट किए, कई पापा वीडियो को खरीद लेने के लिए, उनकी नोट्स लेने के लिए, उनके कोर्सेज को परचेज करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं कुछ फ़ायदा नहीं मिला, मेरा प्रीत तक नहीं निकलता था। फिर मैंने RMU सर का कोर्स परचेज किया, उनके नोट्स परचेज की, उनकी बुक्स परचेज़ की और सिर्फ उनकी बुक्स और उनकी नोट्स से मैंने पढ़ाई की। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जहाँ मैं प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, मैंने PCS का मेंस दिया, मैंने RO ARO का मेंस दिया, मैंने जो है अभी मेरा अक्टूबर में UPSSC मेंस का पेपर है लोअर उसका, और अभी मैं ASC RO ARO का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी 19th को मेरा GIC का पेपर है और उसके बाद जो है मैंने अभी PGT का एग्ज़ाम दिया हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और आप विश्वास नहीं करोगे, PGT के एग्ज़ाम में मैंने सर की नोट्स से पढ़ाई की और सर की नोट्स से पढ़ते हुए 60-65% क्वेश्चन तो उनकी नोट्स से थे। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, जिनको विश्वास ना हो वो देख सकते हैं, वो उनकी नोट्स हिस्ट्री की मंगा लें और PGT का पेपर उठा लें और वो खुद ही जाँच लें कि पेपर से क्वेश्चंस मिस पेपर में क्वेश्चंस उनकी नोट्स से आए थे या नहीं आए थे। इस तरीके से UPSC 2020 का भी मैंने प्री निकाला सिर्फ RMU सर की नोट्स से पढ़ के, और उनकी करेंट्स की जो मैंने PDF पढ़ी, उनके करेंट्स जो मैंने पढ़े, मुझे करेंट्स क्योंकि जल्दी याद नहीं होते हैं, तो मैंने उनके जो करेंट्स से पढ़े थे 2020 PCS में, उसमें से भी करेंट्स में भी जो है वो 80-90% क्वेश्चन उनके करेंट से फंसे थे। और मैं कोई बहुत तो ऐसी बात झूठ बात या इस तरह की बातें नहीं कर रही हूँ, अगर जिनको भी विश्वास नहीं है तो वो पेपर ले लें और उनकी एक नोट्स मंगा लें और वो खुद जांच लें कि उनकी नोट्स कैसी कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। उनकी नोट्स में कोई भी फालतू चीज़ें नहीं होती हैं कि फालतू के कंटेंट भरे पड़े, सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़ना है और सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके को अपनी आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट जॉब में एक सीट फिक्स करनी है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार RMU